हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे बिहार से संबंधित, यानी कि स्पेशल बिहार के अंतर्गत आज हम प्रमुख खाद्यान्न और उद्योग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आपका स्पेशल बिहार से संबंधित है और भी जितने भी बिहार से के स्पेशल, जैसे मिट्टी हो जाएगा, नदियां हो जाएगा, इन सबों को अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में उसको डाल दिया गया है, आप उसमें जाकर के उसको देख सकते हैं। इस प्रकार हमारा आज का जो बिहार का स्पेशल रहेगा वो इसमें प्रमुख खाद्यान्न और आपका उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारा बिहार है वो भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आपका 17वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन सी भैया आपका, यानी कि बिहार का स्थान 17वां है। और जो सब्जी उत्पादन होता है उसमें आपका बहुत ही बड़ा अग्रणी, यानी कि बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे बिहार में सब्जी उत्पादन किया जाता है। चलिए देखते हैं, जो हमारा बिहार है वो हमारे पूरे भारत में 17वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्या खाद्यान्न उत्पादन में। और सब्जी के लिए बात की जाए तो फल और सब्जियों में बिहार का स्थान अग्रणी, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से यहाँ पे फल और सब्जी की मात्रा उपजाई जाती है। उसके बाद देखते हैं, देखिये पहला चीनी मिल, ठीक है, बिहार में आपका पहला चीनी मिल कब लगाया गया था, यानी कब उसका फैक्ट्री लगा था, तो आपका 1840 में लगाया गया था। कब लगाया गया था भैया आपका, 1840 में लगाया गया था। और यह डचों के द्वारा यह लगाया गया था, यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में प्रथम चीनी फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित किया गया था, डचों के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था, तो वह 1840 में किया गया था। और कहाँ पे किया गया था, आपका बेतिया में किया गया था। तो बेतिया आपका किस जिले में पड़ता है भैया, आपका पश्चिमी चंपारण में होता है। कौन से, पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय का नाम है बेतिया। जिस प्रकार पूर्वी चंपारण जो जिला है उसका मुख्यालय का नाम है क्या, मोतिहारी, इसी प्रकार पश्चिमी जिला का, पश्चिमी चंपारण का जो हमारा मुख्यालय है वह बेतिया पड़ता है। बेतिया में 1840 में डचों के द्वारा प्रथम चीनी फैक्ट्री स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद पूछता है कि अंग्रेजों द्वारा भैया कब किया गया था, तो अंग्रेजों द्वारा आपका 1904 में किया गया था। कब किया गया था भैया, आपका अंग्रेजों द्वारा दूसरा चीनी फैक्ट्री आपका लगाया गया था 1904 में लगाया गया था, और यह मढ़ौरा में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था, तो मढ़ौरा में लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि चाय का उत्पादन बिहार के किन किन जिलों में होता है, देखिये यहाँ पे एक बता देते हैं, अगर आपने बिहार का मैप अभी तक नहीं देखा होगा तो ये आपका बिहार का मैप हो जाता है, ठीक है, ये आपका बिहार का, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो जाता है, यानी कोलकाता। जितने भी वेस्ट बंगाल से सटे हुए राज्य, वो सब सारे राज्यों में क्या होता है, चाय का उत्पादन किया जाता है। जैसे मैं आपको जगह किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इन जिलों में चाय की मात्रा अग्रणी है, यानी कि चाय के उत्पादन में बहुत ही अग्रणी जिले हैं। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा चाय का उत्पादन के लिए कौन सा जिला है, तो आपका कटिहार हो जाता है, पूर्णिया हो जाता है, और किशनगंज होता है। फिर उसके बाद देखते हैं जूट में, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो आपका आ जाता है कटिहार और पूर्णिया आ जाता है। मुख्य रूप से अगर ये आपका पूर्णिया ही आप ऑप्शन में रहेगा, पूर्णिया ही आप मारिएगा, ठीक है। बिहार में अगर बात किया जाएगा जूट उत्पादन में, तो आपका पूर्णिया जिला हो जाएगा। अगर पूरे भारत वर्ष में बात किया जाएगा, आपका कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाता है, ठीक है। कौन हो जाता है भैया पूरे भारत में, बंगाल हो जाता है। और जिला के लिए बात करेंगे तो आपका पूर्णिया हो जाता है। फिर उसका चलिए शुरू करते हैं उद्योग के बारे में। देखिए सबसे पहले रेशम एवं वस्त्र संस्थान, ये कहाँ बनाया जाता है, रेशम और वस्त्र कहाँ बनाया जाता है, ये आपका भागलपुर में बनाया जाता है। फिर उसके बाद बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तेल शोधक कारखाना जो है आपका एक होता है बरौनी में होता है। कहाँ है भैया, बरौनी में है। बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना है ये 1966 में बनाया गया था। कब इसको शुरू किया गया था, तो 1966 में शुरू किया गया था, और यह रूस के सहायता से शुरू किया गया था। किसकी सहायता से शुरू किया गया था भैया, तो आपका रूस के सहायता से शुरू किया गया था, 1966 में इसको शुरू किया गया था, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा जिला है आपका या शहर, तो मोकामा हो जाएगा, ठीक है, चमड़ा उद्योग के लिए मोकामा हो जाता है। फिर होता है एक सिगरेट फैक्ट्री होता है और बंदूक कारखाना होता है, देखिए दोनों खतरनाक चीज है, ठीक है, एक सिगरेट भी खतरनाक है, स्मोकिंग करना, और बंदूक भी खतरनाक है। तो आपका सिगरेट और बंदूक कारखाना के लिए मुंगेर जिला फेमस है, यानी कि सिगरेट भी मुंगेर में बनाया जाता है और बंदूक भी कहाँ, मुंगेर में ही बनाया जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, कहाँ, तो मुंगेर में, ये दोनों चीज मुंगेर में बनाया जाता है।
फिर कहते हैं कागज उद्योग, कागज उद्योग के लिए समस्तीपुर फेमस है। कौन सा भैया फेमस है आपका? समस्तीपुर कागज उद्योग के लिए। फिर उसको होता है लाह उद्योग। लाह समझते हैं क्या होता है? एक अलकतरा जैसे, देखे वो जो रूट बनता है बोला जाता है उसको हमारी भाषा में अलकतरा कालिख बोला जाता है, उसी तरह होता है। मान लीजिए आप बैंक, आपका मान लीजिए कोई बड़ा सा ऑफिस हो गया, या कोई भी अगर बैंक, कोई भी अगर घर हो गया, उसको जब सरकार कुर्की करती है, यानी कि उसको जब सील कर देती है कोई भी कंपनी या फैक्ट्री को, तो उसके तालों पर देखिएगा ना, यही होता है लाह, उसी को उसमें मुहर लगाया हुआ था बड़ा सा, उसके तालों पर क्या, ताले के ऊपर मोहर लगा दिया जाता है, उसी को लाह बोला जाता है। तो लाह उद्योग में भारत पूरे बिहार में गया और पूर्णिया जिला फेमस है। लाह उत्पादन में क्या हो जाएगा आपका? पूर्णिया और गया। फिर उसके बाद होता है कांच उद्योग। कांच उद्योग के लिए पटना फेमस है। कौन सा जिला फेमस है भैया आपका? तो कांच उद्योग के लिए आपका पटना फेमस है, ठीक है। फिर आता है रेल पहिया। रेल पहिया के लिए आपका हो जाएगा छपरा फेमस होता है। फिर देखिए ये तीनों ध्यान दीजिएगा, एक होता है रेल पहिया, ये आपका छपरा में होता है, बनता है। फिर रेल इंजन का मरम्मत, जो रेल इंजन होता है उसका मरम्मत तो भाई किया जाएगा ना, वो बिगड़ जाएगा, तो रेल इंजन मरम्मत आपका जमालपुर में किया जाता है। वैसे भी बिहार का सबसे बड़ा अगर आपका रेलवे वर्कशॉप पूछा जाएगा पूरे भारतवर्ष में, आपका जमालपुर ही आता है। कौन सा था भैया? तो जमालपुर ही आता है। इस प्रकार आपका रेल इंजन मरम्मत आपका हो जाएगा जमालपुर में। फिर देखिए फ्लाईवुड उद्योग, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका बीपीएससी के एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, यानी कि हर बीपीएससी के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लाई उद्योग, फ्लाईवुड उद्योग आपका कहा था हाजीपुर में है, ठीक है। कभी कभी हाजीपुर ना दे देगा वैशाली दे देगा, क्योंकि वैशाली के मुख्यालय है आपका हाजीपुर। फिर आपका था बर्तन उद्योग। बर्तन उद्योग के लिए आपका सिवान फेमस है, ठीक। चलिए अभी इधर देखते हैं आपका डीजल इंजन, और एक होता है इलेक्ट्रिक इंजन। डीजल इंजन के लिए मढ़ौरा में बनता है, और इलेक्ट्रिक इंजन का मधेपुरा में बनता है। इसको ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। डीजल इंजन जो है, डीजल यहाँ देखिए डस स्टार्ट हो रहा है, डीजल इंजन आपका मढ़ौरा में बनता है, और इलेक्ट्रिक इंजन जो होता है रेलवे का, रेल का, ट्रेन का, वो आपका मधेपुरा में बनता है। फिर देखिए रेल पहिया जो बनता है कारखाना में बनता है। देखिए 10 से संबंधित 4 क्वेश्चन मिल गया, देखिए 5 क्वेश्चन। रेल पहिया बनता है आपका छपरा में, रेल इंजन मरम्मत जमालपुर में, आपका डीजल इंजन होता है मढ़ौरा में, इलेक्ट्रिक इंजन बनता है आपका मधेपुरा में, और रेल पहिया छपरा में भी बनता है आपका, और एक होता है देखिए दो दो बार लिखा गया सॉरी, रेल आपका पहिया छपरा में बनता है। फिर देखिए बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, ये आपका फतुहा में है। कहाँ पे है भैया? फतुहा में। बहुत बार आपका एग्जाम में पूछ दिया है, कभी कभी फतुहा ना दे करके वहां पे क्या दे देता है, पटेना दे देगा। क्या दे देता है आपको भैया? पटेना दे देगा। इसको ध्यान दीजिएगा, आपका बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड कहाँ है भैया? तो फतुहा में या पटना में होता है। फिर जूता या बट्टा, पहनने वाला जो शूज होता है ना, उसी को बोलते हैं जूता। जूता या बट्टा, बट्टा कंपनी का नाम, ये दोनों चीज आपका मौका में बनता है। फिर देखिए सिंदूर, ये इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सिंदूर के लिए आपका लखीसराय में। सिंदूर उद्योग कहाँ होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में लखीसराय में होता है। फिर होता है तंबाकू। तंबाकू के लिए दिलावरपुर। दिलावरपुर भाई ये किस जिले में पड़ता है? तो मुंगेर जिले में पड़ता है। सबसे खतरनाक तीनों चीज, सिगरेट भी आपका मुंगेर में, बंदूक भी आपका मुंगेर में, और तंबाकू भी आपका कहाँ? मुंगेर के दिलावरपुर में। उसका बीड़ी जो बनता है ये आपका बिहार शरीफ में बनता है। कहाँ बनता है? बिहार शरीफ यानी नालंदा में बनता है। कालीन, कालीन जो अपने हम अपने अपने घरों में जो बिछाते हैं ना कालीन फर्श पर, उसी को बोला जाता है कालीन। कालीन के लिए औरंगाबाद फेमस है। सीमेंट, सीमेंट उद्योग आपका डालमिया नगर। डालमिया नगर आपका रोहतास में हो जाएगा, ठीक है। किस लिए? डालमिया नगर सीमेंट के लिए। हस्तकरघा, हम यानी कि हाथ से बुनना, कोई भी चीज बुनना, हस्तकरघा बोला जाता है। हस्तकरघा के लिए भागलपुर। दिया सलाई, दिया सलाई के लिए कटिहार, यानी कि कटिहार में दिया सलाई बहुत भी ज्यादा बनता है। फिर खनन उद्योग, खनन उद्योग के लिए औरंगाबाद, क्योंकि औरंगाबाद जो जिला है वह आपका पहाड़ी जिला है, ठीक है, वहां पे ही खनन उद्योग ज्यादा होते हैं। खनन उद्योग के लिए औरंगाबाद। डेयरी यानी कि दूध के लिए पटना। सूती वस्त्र के लिए गया। यहाँ पे देखिए रेशम और वस्त्र संस्थान भागलपुर में, लेकिन सूत्र उद्योग कहाँ किया जाता है आपका? गया में किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए
आपका आ जाता है उर्वरक। उर्वरक के लिए बरौनी आपका फेमस है, अब बरौनी में तेल शोधक कारखाना भी है और उर्वरक के लिए भी फेमस है। फिर औषधि, औषधि के लिए फेमस आपका नारायणपुर। नारायणपुर भाई आपका मुजफ्फरपुर है। ये जो नारायणपुर है ना, यहाँ से बहुत विदेशों में भी बहुत प्रचुर मात्रा में औषधियां जाता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। लालटेन के लिए आपका डुमराव हमारा बक्सर जिला में पड़ता है, लालटेन के लिए डुमराव फेमस है। दवा के लिए हाजीपुर, औषधि के लिए नारायणपुर मुजफ्फरपुर, लेकिन मेडिसिन के लिए आपका हाजीपुर। फिर उसका आता है सिल्क सिटी, किसे बोला जाता है सिल्क सिटी भैया आपका, किसे बोला जाता है भागलपुर को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ यहीं पर रेशम एवं वस्त्र संस्थान का स्थापना किया गया है, इसलिए इसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बिहार से संबंधित आपका प्रमुख उद्योग और आपका खाद्य उत्पादन था, ये आपका सारे एग्जामों में ये पूछा जाता है, जितने भी बिहार से संबंधित है उसमें ये पूछा ही बहुत पूछा जाएगा, न के सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम अन्य आपको बता दिया है कि बिहार में इंटर लेवल का एग्जाम भी होने वाला है बहुत जल्दी, CGL 4 की वैकेंसी आने वाली है, बिहार SI की वैकेंसी आने वाली है, ये सारे एग्जामों में आपका बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।